तो भरोसा करके मैंने उसको उसको साहिबा के जाने दिया और वो धोखेबाज आपका बेटा। धोखेबाज वो नहीं है, धोखेबाज तो तेरी बीवी है। वो तेरी बीवी मेरे बेटे पे डोरे डालना बंद कर देगी तब तक कुछ अच्छा हो पाएगा ना मेरी दिलजीती की जिंदगी में। साहिबा के बारे में बोलना बंद कीजिए, आपका बेटा उसका क्या, हजार बार उसको मना कर चुकी है और जब उसे पता है कि किसी और की बीवी है तो क्यों बार बार हमारी जिंदगी में गुस्सा चलाता है वो। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। रणवीर, ये कितनी गलत बात है ना, जो कुछ भी होता है वो होने क्यों नहीं देता। ये इसे ना पता नहीं क्यों आदत है हर चीज पर टांग अड़ाने की। पता नहीं, अरे उसे तो लगता है बस वही सही है। अरे दूसरे क्या सोच रहे हैं, किसी को कितना बुरा लग रहा है उसकी बातों से, ये सब के बारे में तो ये लड़का बिल्कुल नहीं सोचता। ये लड़का वैसे है अच्छा, बहुत प्यारा, लेकिन जब वो ऐसी हरकतें करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पे। अरे मुझे भी। अब देखो ना, बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी। ये रणवीर, आप इतनी देर से रणवीर की बात कर रहे हो? तुम दलजीत की बात कर रही? और नहीं तो क्या। अरे मैं हजारों बार समझा चुकी हूँ दलजीत को कि साहिबा का पीछा ना करे, वो शादीशुदा है, लेकिन दलजीत को ना आदत पड़ गई है उनके मामले में टांग अड़ाने की। देखो रणवीर उसका पति है, उसका ख्याल रखना ना रणवीर का काम है। अरे रणवीर की तो बात ही मत करो तुम। अरे अगर वो अपना काम कर रहा होता ना तो दलजीत को इस तरह साहिबा को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे अगर साहिबा को खतरा नहीं होता तो दलजीत उसे क्यों ले जाता, पागल नहीं है दलजीत? चलो थोड़ा पानी तो पिलाओ। पागल है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन कोई समझदार भी नहीं, क्योंकि कोई समझदार बंदा ना ऐसी हरकतें नहीं करता। हैरी जी वो किसी और की पत्नी है। दलजीत कितनी बुरी तरीके से साहिबा के पीछे पड़ा हुआ ये आप भी जानते हो, उसे चैन से जीने क्यों नहीं देता? दलजीत प्यार करता है साहिबा से। किसी पराए आदमी की बीवी से प्यार करना, ये कैसी समझदारी है? रहन दो, मैं तो बस रब से यही अरदास करती हूँ कि हमारी साहिबा जहां भी हो ना ठीक हो बस। मम्मी साहिबा आई। दामा जी वो। पापा जी साहिबा कहाँ? रणवीर साहिबा आई। ओए हालत क्यों की है तेरी? साहिबा और गल की है बस। साहिबा कहाँ? साहिबा तेरे नाल नहीं सीगी ना, तेनु की हो गया पुत्र? रणवीर सुन ना मेरी गल। जीत जा रहे पुत्र? वो दलजीत साहिबा को लेकर कहीं चला गया, ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। साहिबा मुझे मालूम है कहाँ पर गया होगा वो। रणवीर वहीं पे रुक जाओ, कहीं नहीं जाओगे तुम। क्यों भाजी? लेकिन दलजीत साहिबा को कुछ नहीं हुआ। साहिबा बिल्कुल ठीक है। ठीक है मतलब? मतलब ये है कि दलजीत का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि साहिबा पे जो भी हमले हो रहे हैं ये रणवीर और उसके रिश्ते के कारण हो रहे हैं। अगर रणवीर उसे छोड़ देता है तो ये हमले सब रुक जाएंगे। भाजी उसने आपको आधी बात बताई, प्रोफेसर ने और भी बहुत कुछ कहा था। बताया तो सही ना, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया था। अब किस पे विश्वास करूं, तुम पर या उस पर? भाजी मैं उसका पति, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम उसके पति हो तो वो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी पर ये जो हमले हो रहे हैं उसका मैं खतरा कैसे मोल ले सकता हूँ? अरे मुझे समझ नहीं आता है कि अगर थोड़ा टाइम अलग रहने से, जब तक मेरा मतलब है ये हमले रुक ना जाए, अगर अलग रह सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है? भाजी प्रोफेसर ने ये भी कहा था
कि साहिबा पर आने वाली मुसीबत को देखने के लिए मुझे चुना गया और मैं ही हूँ जो उसे बचा सकता हूँ। पानी से मैंने ही बचाया था ना उसे, लेकिन आज आग से तो ना बचा पाए ना। दलजीत ना होता तो क्या होता, वो आग पर। बाबूजी अगर मैं साहिबा से दूर भी रहे तो इस बात की क्या गारंटी उसे कुछ नहीं होगा? तो होगा उसकी भी क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं ना। देखो पुत्र, मैं समझता हूँ कि तुम भी उसे बहुत चाहते हो और हम भी तुम दोनों की जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। उसके लिए अलग रहने की थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो क्या हर्ज है पुत्र? अलग रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है भौजी, उसके किसी पराए मर्द के साथ रहने से है। लेकिन दामाद जी, प्रोफेसर ने जो कुछ भी कहा वो सब सच हुआ है ना? अगर आपके दूर रहने से मेरी बच्ची की जान बचती है तो मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ये भी करके देखते हैं। मम्मी जी, मानता प्रोफेसर की कही हर बात सच है, तो उनकी कही बात पर विश्वास कर कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि उसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, कोई और नहीं। साहिबा को कहाँ ढूंढू, कैसे ढूंढू, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को फोन करता हूँ। हेलो, अब इंस्पेक्टर साहब, रणवीर सिंह बोल रहा हूँ। मैं बच्चा, मेरा बच्चा, आप प्लीज कहीं मत जाओ वरना हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, प्लीज मत जाओ ना। कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप कहीं मत जाना, प्लीज कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। आप बस अपनी आंखें खोलो। रणवीर, रणवीर, रणवीर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? साहिबा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक है, हर खतरे से दूर। जब तक एक हाथ नहीं टल जाते साहिबा जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जी जी, आप समझ नहीं रहे, रणवीर तो आग में फंस गए थे ना दलजीत जी। साहिबा जी, रणवीर को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, और इस वक्त आपको अपने और हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। दलजीत जी, मुझे घर जाना है। साहिबा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। दलजीत जी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा आप कहीं नहीं जाओगे। दलजीत जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साहिबा जी, मुझे घर जाना है, रणवीर किस हाल में होंगे ये भी पता नहीं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। साहिबा जी, मैंने आपको कहा ना आपको कहीं नहीं जाना है, और रही बात आपके घर वालों की, तो उन्हें मैं सब कुछ बता चुका हूँ, आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? दलजीत जी, भरोसा है, बहुत भरोसा है, लेकिन मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। साहिबा जी, मेरी बात सुनिए। आओ जी, यहीं रहता है वो, ये इसका ही काम लगता है। अब आप आए प्लीज। वीर जी, वीर जी, क्षेत्र करो जी, पुलिस आई है। जय कर्नेल जी, कर्नेल प्राजी, आप और पुलिस के साथ क्यों? अब जो बोलना है ना वो ये बोलेंगे, इन्होंने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि उसने साहिबा सिंह को किडनैप किया। ओ जी, मेरी गाल सुनो जी, वो ऐसा है ना जी कि मेरा बेटा जो है ना ऐसे वैसे कोई काम करने वाला लड़का है नहीं, और जी इनकी बहू जो है ना साहिबा, वो अगर मेरे बेटे के साथ गई है ना तो वो खुद की मर्जी से ही गई होगी। देखिए, ये सब हम कुछ नहीं जानते, पुलिस का काम है साहिबा सिंह को ढूंढना और हम पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बात हम आपको बता देते हैं, 24 घंटे के अंदर दलजीत को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। और जी ठीक है जी, पर उसके साथ बात होती है ना तो जी उसे बता दूंगी। सत श्री अकाल जी। एक बात और, अगर गलती से भी मिस्टर रणवीर की वाइफ को कुछ भी हो जाता है तो दलजीत दोषी माना जाएगा, आपको मालूम है किडनैपिंग की सजा 7 साल की होती है। और टूटी फ्रूटी ब्यूटी,
समझा देना अपने घर वालों को, अगर मेरी बहू को कुछ हुआ ना तो आप घर वालों के लिए ये गुड नहीं होगा। कर्नल जी आप जी, आप जरा दलजीत को फोन मिलाओ ना, पूछो उससे कहाँ है वो, कहाँ है साहिबा, और उसको बोलो साहिबा को लेके यहाँ है। रणवीर के सर पे खून सवार है, कहीं वो दलजीत को कुछ। और ये रणवीर और साहिबा की वजह से मेरे बेटे को क्या क्या सहन नहीं करना पड़ रहा है, उस परिवार के लिए मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है, इतना सब कुछ किया और फिर भी ये कंप्लेंट दर्ज कराने से पहले उस परिवार वालों को सोचना चाहिए था ना कि मेरे बेटे पे क्या असर पड़ेगा। नहीं पड़ जाएगी, आप ना पक्का गलत समझ रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस घर में किसी ने भी रणवीर का साथ दिया होगा इस कंप्लेन करने में। ओए ब्यूटी, और मुझे ना तेरे से कोई सफाई नहीं सुननी है, कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे। बस एक काम कर, तू ना मेरे नाल चल। हाँ परजय जी। ओ मैं तेनू दसनी हूँ, चल। परजय जी, आज सब फैसला होके ही रहेगा, चल आ जा, आ जा। परजय जी, आज जा कर रहे हो? सारा फैसला करने जा रही हूँ मैं। अजय जी। हाँ भाई साहब, इसको देखा है कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। सुनिए ना, इनको कहीं देखा है आपने? ये लड़का लड़की। ओ जी कारवालो, छेती छेती इत्थे आ जाओ। सस्रीकाल विजय जी। सस्रीकाल जी, सस्रीकाल, सस्रीकाल। और जी रब ना झूठ ना बुलवाए मुझसे, आपकी बेटी की बेवकूफियों की वजह से ना मेरा बेटा दोषी ठहराया जा रहा है, हैं जी? और सारा किया धरा जो है ना वो आपके लाडले रणवीर का है, और पुलिस मेरे घर विच आ गई है जी। मेरे बेटे ने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए जो कुछ भी किया वो सारा भूल गए जी आप, है जी, भूल गए। एक मिनट पर जाइए, अगर मेरे रणवीर ने एफआईआर करवाई भी है तो इसमें गलत की है, क्या जरूरत थी दलजीत को साहिबा को साथ लेके जाने की, दसो मैनू। पर जाए जी, भी नहीं। पर जाए जी, पर वो रिपोर्ट में तो मैं जानती हूँ जी, मैं सब जानती हूँ, आपका हाथ नहीं था, बस यही कहना चाहते हैं ना। ओ जी आपकी बहन है ना, वो ससुराल में ना मायके वालों की तरफदारी कर रही थी, आजा ब्यूटी आजा, और जो भी तुझे कुछ बोलना है ना अब इनके सामने बोल दे, बोल। क्यों होया, चुप क्यों हो गई, अब किस इंतजार में है तू, हैं? भूल गई तू इस घर से तेरी विदाई हो चुकी है, और भूल गई तू, तू किस घर की अमानत है, हैं? मैं तो बस, अरे नहीं नहीं मैनू नहीं, तेनू जो भी कहना है ना इनके सामने आके कह। अच्छा मुझे लगा कि रणवीर ने जल्दबाजी में कंप्लेन लिखा दी होगी। क्यों होया, हैं? उस कार में तो बड़ी लंबी जबान चल रही थी तेरी, अब क्यों हो गया, बोलती बंद हो गई तेरी, हैं? छट। ओ जी प्राजी, आप लोग ना मेरी गल ध्यान से सुन लो, मैं कसम खा के कहती हूँ अगर मेरे दलजीते को साहिबा की वजह से कुछ हुआ तो इस घर से मैंने जितने भी नाते जोड़े हैं ना वो सारे टूट भी सकते हैं। जय जी, जी सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी, तब तक ये यही रहेगी जब तक मेरा दलजीत है सही सलामत मेरे कार नहीं आ जाता। तो
हो जाए जी कि जाए जी गलते सुनो मेरे भाई साहब इनको इनको क्या देखा है आपने आने वाले खतरे की निशानी है तो फिर मेरे पास फिर से सिर्फ 48 घंटे साहिबा को बचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे घर पे सब लोग परेशान होंगे और रणवीर भी पता नहीं किस हाल में होंगे मुझे उनकी जरूरत है साहिबा जी तो क्या क्या जरूरत है क्यों जाना आपको घर पे ताकि आप उस रणवीर के साथ रह सके उस इंसान के साथ जिसकी वजह से आप पे एक हाथ हो रहे चीची वो मेरे पति मैं जानता हूँ वो आपका पति है लेकिन आज उसकी वजह से आप तकलीफ में हैं और आप ये भूल गए कि वो एक अकेले इंसान है जिनको ये पता होता है कि मुझ पे कब कौन सा हमला होने वाला है हमें उनकी जरूरत है दलजीत जी आपने कैसे बोल दिया कि हमें उसकी जरूरत है मुझे और आपको कब से किसी तीसरे की जरूरत पड़ने लगी साहिबा जी और वो भी उस रणवीर की हमसे मेरा मतलब आप और मैं नहीं थे दलजीत जी मैं और मेरा बच्चा इसका मतलब मैं आपके लिए कुछ नहीं रणवीर मेरे पति हैं दलजीत जी कैसा पति आज इस बेवकूफ की वजह से आपके मेरे बच्चे की जान जा सकती थी साहिबा जी मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप दोनों मेरे लिए क्या हो मेरे परिवार की जान खतरे में है पर मेरा बच्चा मेरे परिवार ही तो है ना मेरा बच्चा मुझे तो की ना चलो मान ली कि उसका बच्चा अगर उसे नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता मर जाता अगर ये बात आज मैं तुझसे कहूं तो अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा तब आज उन्हें बताना ही होगा कि जिसका वो इंतजार कर रहे वो कभी नहीं आएगा कभी नहीं जिससे आपकी फैमिली पूरी होती थी वापस दुनिया में नहीं रहा वापस दुनिया में नहीं रहा आपका बच्चा मर चुका है बच्चा मर चुका है बंद कीजिए अरे मुझे अपने आप से दूर करने के लिए बिस्तर की बातें करेंगे आपके साथ मैं डॉक्टर के पास गया हूँ आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स मेरे सामने आई हैं शर्म आनी चाहिए साहिबा जी आपको क्या मुझे झूठ बोल रही है मैं झूठ नहीं बोल रही दलजीत जी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि ये बच्चा आपका नहीं है
बच्चा रणवीर का ही बच्चा रणवीर का ही बच्चा।